हाल ही में बंगाल के अंदर यूपी के साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया, जिसके बाद में मामला गर्म हो गया और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर भी अब यूपी ही नहीं पूरे देश की जनता उनके ऊपर सवाल कर रही है कि आखिरकार साधुओं के ऊपर ये अत्याचार क्यों किया गया। इसको लेकर के कई सवाल किए जा रहे हैं कि ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमले किए, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। तो दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि आखिरकार क्या कुछ मामला भी इसमें सामने आया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया। भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया। 3 साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। घटना गुरुवार की 11 जनवरी की बताई जा रही है और भाजपा ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया। पार्टी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? ममता बनर्जी घटना पर चुप क्यों हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। पुरुलिया के SP अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधु किराए पर कि एक बोलेरो से जा रहे थे। गौरंग डीह के पास में 3 लकड़ियां पास के काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। 3 लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी और साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर के रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से कुछ गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भागी। बनर्जी ने बताया कि इसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के एक मंदिर ले गए। इस दौरान भीड़ ने उनसे पूछताछ की और मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट भी दिया। पुलिस ने साधुओं को भीड़ से बचाया और उनकी शिकायत पर FIR भी दर्ज की। 12 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया गया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।